और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ये जो ये कंटेंट फ्री में है या फ्री अवेलेबल है ये अच्छे नहीं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे साथ जो है जो टीचर्स जुड़ते हैं, निश्चित रूप से इंडिया के टीचर्स भी हैं, कुछ अब्रॉड के टीचर्स भी हमारे साथ सेशन में जुड़ते हैं और उनको उनकी चॉइस का चैप्टर हम देते हैं डिस्कस करने के, और उसके पीछे रीजन है कि जब आपको आपकी चॉइस का चैप्टर मिलेगा पूरी बुक से तो निश्चित रूप से आप बहुत अच्छा परफॉर्म करें। नमस्कार साथियों, डिजिटल टीचर की कहानी के इस एपिसोड में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। वन मार्क सॉल्यूशन, ये सुनते ही आपके दिमाग में क्या छवि बन रही है? आपने देखा होगा, बच्चे जब किसी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो बहुविकल्पीय सवालों में सवाल पढ़ते हैं और किसी एक विकल्प को याद कर लेते हैं, जिसका नतीजा तो हम सभी जानते हैं। एग्जाम में जाते हैं, सवाल पढ़ा, नीचे चार विकल्पों में से कंफ्यूजन हो जाता है कि कौन सा विकल्प सही है कौन सा नहीं है। इसी समस्या के समाधान के लिए मोहम्मद असद सर ने एक इनिशिएटिव लिया जिसका नाम है वन मार्क सॉल्यूशन, जिसमें हर सवाल के हर विकल्प पर विस्तार से चर्चा होती है। ये इनिशिएटिव भले ही असद सर ने लिया हो, लेकिन अभी इसे 100 से भी अधिक विषय एक्सपर्ट अध्यापक आगे बढ़ा रहे हैं। ये अपने आप में एक प्रेरणादायी बात है। यही नहीं, असद सर शिक्षा को समर्थ बनाने के लिए ऑनलाइन क्लासेस, ई कंटेंट क्रिएशन आदि में टेक्नोलॉजी का भरपूर इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आइए मिलते हैं असद सर से। नमस्ते डॉक्टर साहब, कैसे हैं? नमस्कार सर, मैं बहुत बढ़िया हूँ, आप कैसे हैं? मैं भी एकदम ठीक हूँ। तो स्वागत है सर आपका डिजिटल टीचर की कहानी में। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। तो सर, हम सबसे पहले तो आपसे बातें जो है वो इस तरफ करना चाहेंगे। सर, पेंडेमिक सिचुएशन जो है वो सबके लिए एक मुश्किल और चुनौती भरा दौर रहा है, और आपके लिए भी शायद रहा होगा। लेकिन ये भी देखा जाता है कि जैसे ही कोई चुनौती या समस्या आता है तो इंसान कुछ ना कुछ नया करने की कोशिश करता है, कोई नया समाधान खोजने की कोशिश करता है। बिल्कुल। तो आपने भी कुछ इस तरीके के चुनौतियों के सामना करते हुए कुछ प्रयास किए होंगे, तो हम आपका अनुभव जानना चाह रहे हैं कि लॉकडाउन में आपका किस तरीके का अनुभव रहा और आपने क्या नए इनोवेशन ईजाद किए। जी जी सर, बिल्कुल। संकट की घड़ियां झेल झेल विश्वास अटल हो जाता है कि संकट की घड़ियां झेल झेल विश्वास अटल हो जाता है, तूफान स्वयं ही हटते हैं और प्रात सुहाना आता है, विध्वंसों के तांडव में भी नित गीत सृजन का गाया है, हमने तो संघर्षों से ही लक्ष्य शिखर का पाया है, हमने तो संघर्षों से ही लक्ष्य शिखर को पाया है। तो ये जो पंक्तियां हैं ये निश्चित रूप से ये इस तरफ इंगित करती हैं कि अगर आपके जीवन में संघर्ष नहीं है तो आप कुछ भी अच्छा नहीं कर सकते, अगर जीवन में संघर्ष नहीं है आप कुछ भी नया नहीं सीख सकते। तो निश्चित रूप से जो पैंडेमिक का समय रहा है इसने हर किसी को बहुत कुछ नया सिखाया है, एक नया नजरिया दिया है कि हम अगर ऐसी कोई सिचुएशन आती है तो हम किस तरह से इस सिचुएशन से जो है वो निजात पा सकते हैं, किस तरह से हम इस सिचुएशन को हैंडल कर सकते हैं। तो निश्चित रूप से बीइंग अ टीचर, हमारे पास सबसे बड़ा जो चैलेंज था वो ये था कि बच्चों तक हम कैसे पहुंच बनाएं अपनी इस पैंडेमिक के सिचुएशन में, जब स्कूल्स बंद हैं, बच्चे स्कूल्स नहीं आ रहे हैं, बच्चों तक कैसे पहुंचा जाए। तो उसके लिए सभी शिक्षकों ने, जितने भी शिक्षक हैं, सभी ने ऑनलाइन टीचिंग की तरफ रुख किया। लेकिन ऑनलाइन टीचिंग को किस तरह से इफेक्टिव बनाया जाए इस दिशा में प्रयास किए गए और किए जाने अभी भी आवश्यक हैं। अभी भी बहुत सारी स्थितियां ऐसी हैं जहां पर हम बच्चों के साथ नहीं जुड़ पा रहे हैं। तो मेरा जो पैंडेमिक में जो प्लान रहा है वो ये रहा है कि जैसे ही लॉकडाउन शुरू हुआ मुझे लगा कि अब स्कूल्स नहीं खुलने हैं, तो मैंने 27 मार्च से ही जो है वो ऑनलाइन क्लासेज स्टार्ट कर दी थी, इंफॉर्मेशन सभी जगह डिसेमिनेट कर दी कि अब चूंकि स्कूल्स बंद है क्लासेज आपकी रन करनी, और मैंने जो क्लासेज स्टार्ट की दैट वॉज ओपन टू ऑल। वो क्लासेज ऐसी नहीं थी कि मेरे अपने बच्चों के लिए थी,
मैंने उसके लिंक सब जगह डिसेमिनेट किया, पूरे इंडिया से बच्चे हमारे साथ जो है जुड़ते थे, लाइव यूट्यूब क्लासेस में जुड़ते थे, फिर जूम पे हमने कुछ दिन ट्राई किया, कुछ दिन फिर हमने गूगल मीट पे ट्राई किया, सिस्को वेबएक्स पे ट्राई किया, अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट जो प्लेटफॉर्म्स थे उनको हमने एक्सप्लोर करने की कोशिश की कि किस प्लेटफॉर्म से हम ज्यादा अच्छे तरह से बच्चों के साथ जो है वो जुड़ाव कर सकते। तो सर बातचीत को अगले चरण में लेके जाते हैं कि पहले से कुछ चीजें ट्राई करते आ रहे हैं, जैसे मैंने आपके यूट्यूब चैनल को भी देखा है कि आपने इकोनॉमिक्स को लेके काफी काम किया है, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग को लेके आप 5-7 साल पहले से ही काम करना शुरू कर दिया था। मैं लास्ट वीडियो आपका देख रहा था कि जो लास्ट वीडियो मैंने देखा उसमें लगभग 4 साल पहले का आपका अपलोड किया हुआ था शायद, तो वो शुरुआत कहाँ से हुई कि कैसे आपके दिमाग में वो आइडिया आया? जी सर बिल्कुल। सर मैं जब भोपाल रीजन में था, और भोपाल रीजन में हमारे यहाँ केंद्रीय विद्यालय संगठन में रीजनल ऑफिसेस हैं और एक एक रीजन के अंडर में 50-60 स्कूल्स के आसपास होते हैं। तो मैं जब भोपाल रीजन में काम कर रहा था केंद्रीय विद्यालय मुंगावली में, उस समय हमारे यहाँ रीजन में बहुत सारे स्कूल्स ऐसे थे जहाँ पर टीचर्स नहीं थे, रेगुलर टीचर्स नहीं थे। तो मुझे डेपुटेशन पे भेजा जाता था अलग अलग स्कूल्स में 2-4 दिन के लिए, ऐसा लगता था। तो मुझे ये लगा कि अगर हम कहीं पर जा रहे हैं 2 दिन में हम पूरा सिलेबस अगर कवर करके, 3 दिन में सिलेबस कवर करके आ रहे हैं तो अपने एंड पे तो हम पढ़ा रहे हैं, बट हमारे सामने जो बच्चा बैठा है वो कितना रिसीव कर पा रहा है, ये एक चैलेंजिंग टास्क है। तो ये लगा कि कुछ ऐसा रास्ता निकाला जाए कि सभी तक पहुंचा भी जाए और साथ में ज्यादा समय तक बच्चों के साथ जुड़े रहा जाए। तो उस समय जो हमारे डिप्टी कमिश्नर थे श्री सम्पाल जी, और उनके साथ बातचीत हुई इस काम में, केंद्रीय विद्यालय विदिशास के जो प्राचार्य थे श्री पांडा जी के साथ मिलकर के हमने ये प्लान किया कि क्यों ना हम इस तरह का कोई ऑनलाइन क्लासेज स्टार्ट करते हैं जिसमें हम एक जगह से सभी बच्चों को जोड़ सकें, सभी स्कूल्स को जोड़ सकें, तो हम ज्यादा समय तक हर बच्चे के साथ जो है वो जुड़ाव कर पाएंगे। और अगर हम रोज बच्चे को 1 घंटे या 2 घंटे पढ़ाते हैं तो निश्चित रूप से उसका जो इम्पैक्ट होगा बच्चे को ज्यादा अच्छा हो। इस दिशा में प्रयास किए गए, उन्होंने परमिशन दी, डिप्टी कमिश्नर सर ने परमिशन दी कि आप इस काम को शुरुआत करिए, और फिर हमने उसके लिए जो भी प्लानिंग थी प्लानिंग करके हमने इसको स्टार्ट किया। तो वो स्काइप क्लासेज, स्काइप के थ्रू हमने उस समय जो है वो बच्चों को जोड़ा, और हमारे साथ लगभग 17 से 18 स्कूल्स उस समय स्काइप क्लासेस के थ्रू जुड़ते थे, एक एक स्कूल में 30-40 बच्चे होते थे। तो एट ए टाइम हम लगभग 500-600 बच्चों के साथ जो है वो जुड़ करके उनके साथ डिस्कशन कर पाते थे, और निश्चित रूप से ये एक स्टार्ट था मेरी आईसीटी जर्नी का। वैसे तो थोड़ा बहुत तो सब जगह चलता रहता था, बट बड़े पैमाने पर आईसीटी का प्रयोग मैंने उसी समय से शुरुआत किया 2015-16 से, और उसी के साथ में फिर यूट्यूब वीडियोस वगैरह का जो है वो बनाने का। तो सर जो आईसीटी की शुरुआत है वो आपकी काफी लार्ज स्केल पे हो पाई, आप काफी बच्चों के एक साथ जुड़ पाए, तो वो प्रयास अब किस डायरेक्शन में जा रहे हैं और अब किस तरीके का नया इनोवेशन आप देख रहे हैं उसमें? जी उस समय सर जो स्थितियां थी उस स्थिति के हिसाब से हमने स्काइप क्लासेस का प्रारंभ किया था, और हमारे साथ बहुत सारे बच्चे उसमें जुड़े भी थे। क्योंकि समय बदलता रहता है, रिक्रूटमेंट प्रोसेस भी बदलती रहती है, रिक्रूटमेंट हुए, टीचर्स स्कूल्स में आ गए, मेरा भी ट्रांसफर भोपाल रीजन से लखनऊ हो गया और यहाँ लगभग सभी स्कूल्स में टीचर हैं, तो बच्चों के साथ बड़े पैमाने पर जुड़ाव जो एक ऑफिशियली स्कूल के थ्रू था वो तो नहीं हो पाया। नहीं हो पाने का मतलब ये कि जरूरत नहीं पड़ी, बट पर्सनल लेवल पे मैं ऑनलाइन क्लासेज लगातार रन करता रहा हूँ, और जिसमें ओपन है कि कोई भी बच्चा कहीं से भी वो हमारे साथ जुड़ सकता है और अपने डाउट्स क्लियर कर सकता है। अगर उसको कहीं ऐसा लगता है कि उसको रिसोर्सेज नहीं मिल पा रहे हैं या वो उस बच्चे को जरूरत है, उसको टीचर्स नहीं अवेलेबल हो पा रहे, तो उसके लिए मैं लगातार प्रयासरत रहता हूं कि कोई भी बच्चा टीचर्स की कमी या रिसोर्सेज की कमी से ऐसा ना हो कि उसकी पढ़ाई बाधित हो। तो हमारी कोशिश ये होती है, और उस दिशा में मैं लगातार प्रयासरत हूं और लगातार मैं उसमें काम। आपके वीडियो जो यूट्यूब पे भी हैं, तो एक चीज तो मुझे उनमें बिल्कुल समझ में आई कि आपने उनके लिए कोई एक्स्ट्रा एफर्ट और एनर्जी प्लान नहीं किया है, जो आप कर रहे हैं अपनी कक्षा में ही उसी को बाकी बच्चों तक भी वो कैसे लेके जाया जा सकता है। एक छोटी सी सोच की जरूरत थी कि हम जो प्रयास कर रहे हैं वो बाकी लोगों तक कैसे पहुंचा जाए, और वाकई में ही बच्चों को जरूरत भी है इस तरीके के कंटेंट की कि वो चीजों को और आसानी से समझ सके और अपने डाउट क्लियर कर सके।
आपने सर 4-5 इनोवेशन के बारे में मैंने सुना है आपके बारे में, शायद एक दो के बारे में तो अपन ने बातचीत कर ली होगी। आपके मोटे मोटे तौर पे किस तरीके के इनोवेशन रहे हैं इस काल में? देखिए सर, अगर आईसीटी जर्नी की बात की जाए और आईसीटी से जुड़े हुए इनोवेशंस की बात की जाए, तो एक तो स्काइप क्लासेस बहुत बड़ा मेरा प्रोजेक्ट था और ऊपर वाले की कृपा से और हमारे जो अधिकारी थे उनके सहयोग से इसको हमने सफलतापूर्वक कंप्लीट भी किया। एक मेरा जो बहुत कह लीजिए कि बड़े पैमाने पर जो जो चीजें लोगों के बीच में गई वो है मेरी रिवीजन हैंडबुक। मैंने 3 रिवीजन हैंडबुक्स बनाई हैं और वो रिवीजन हैंडबुक्स ऐसी हैं कि जो आपकी बुक्स होती हैं नियरली 400 पेजेस 350 पेजेस ऐसे बुक्स होती हैं आपकी एक सब्जेक्ट की, और 2 बुक्स हैं हमारे पास। तो मेरा जो एक रिवीजन हैंडबुक बनाया था मैंने, उसमें क्या किया था मैंने कि एक एक चैप्टर को कंसाइज किया था A4 साइज पेपर पर, और एक पूरा चैप्टर एक A4 साइज पेपर पर मैं लेकर के आया। तो कुल जो टोटल हमारा क्लास 12 का जो सिलेबस था उसको हमने 24 पेजेस में कंसाइज किया, यानी 24 पेज की एक पतली सी हमने बुकलेट बनाई जिसको हमने रिवीजन हैंडबुक इक्वेंट विद इकोनॉमिक्स का नाम दिया। और वो इक्वेंट विद इकोनॉमिक्स इतने बड़े पैमाने पर लोगों के बीच में इतनी ज्यादा पसंद की गई कि मुझे मोटिवेशन मिला कि इस तरीके के और भी काम करने चाहिए। उसके बाद फिर मैंने उससे रिलेटेड चार्ट्स भी प्रिपेयर किए कि बच्चा अगर एक पेज ले लेता है तो वो एक पेज लेकर के वो पूरे चैप्टर को पढ़ सकता है और उसमें कोई भी कंटेंट छूटेगा नहीं। सबसे खास बात यह है कि वो A4 साइज में बच्चे को साइकोलॉजिकली ये लगता है कि हमको तो सिर्फ एक पेज पढ़ना है, बट वो एक पेज में वो सारे इंपॉर्टेंट कंटेंट्स हैं जो उसको एक्चुअली पढ़ना चाहिए। तो ये एक बड़ा इनिशिएटिव था मेरा रिवीजन हैंडबुक का, जिसको बनाने के बाद जो है पूरे इंडिया में जो रीजनल ऑफिसेज हैं हमारे केंद्रीय विद्यालय संगठन के उसमें सर्कुलेट किया गया, और साथ में जो अदर स्कूल्स हैं उसमें सर्कुलेट किया गया। तो बहुत मुझे बड़ी खुशी हुई कि जो एक मेहनत की गई थी उस मेहनत को लोग पसंद कर रहे हैं और बच्चों के लिए बड़ा जो है वो हेल्पफुल। तो एक सर एक इनोवेशन और मैं आपके बारे में कहीं पढ़ रहा था कि आपने किया था 1 मार्क क्वेश्चन, आपने कुछ इस तरीके से कुछ काम किया है, उसके बारे में भी थोड़ा बता दीजिएगा। बिल्कुल सर, एक्चुअली अभी जब ये पैंडेमिक की शुरुआत हुई और इसके बाद चूंकि ऑनलाइन एक्सप्लोर जो है ज्यादा करने लगे, तो मुझे एक जरूरत महसूस हुई कि यूट्यूब पर अगर हम पेड कंटेंट की बात ना करें या जो पेड कंटेंट्स हैं उनको छोड़ दें, तो मैंने देखा कि कोई एक ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जहां पर सभी सब्जेक्ट के सभी चैप्टर्स का कंटेंट जो है वो अवेलेबल हो, और वो भी डिफरेंट सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स के साथ में क्वालिटी कंटेंट के। तो दिमाग में एक आइडिया आया कि क्यों ना ऐसा कुछ प्लान किया जाए कि हम एक ही प्लेटफॉर्म पर क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक के सभी बच्चों को एक प्लेटफॉर्म पर कंटेंट अवेलेबल करा सकते, कि जो बच्चा हमारे साथ क्लास 6 में जुड़ जाए उस बच्चे को क्लास 12 तक कहीं और जाने की जरूरत ना पड़े। तो इस आइडिया को लेकर के मैंने इसकी शुरुआत की, और ये बेसिकली 1 मार्क सोल्यूशन नाम इसलिए रखा गया कि सीबीएसई लगभग 25% क्वेश्चंस जो है वो पूछती है 1 मार्क के, अभी हर एग्जाम में कर दिया है। इसके अलावा जो डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है उसमें भी 1 मार्कर क्वेश्चंस ही आते हैं, और साथ ही साथ आप देखेंगे कि जितने भी बच्चे तैयारी करते हैं एग्जाम्स की कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की वो एनसीईआरटी पढ़ते हैं। सबसे पहला प्रायोरिटी उनकी होती है कि क्लास 6-12 तक की एनसीईआरटी पढ़ जाए। तो ये 2-3 पॉइंट थे जिनको रख करके मैंने इसको स्टार्ट किया कि हम इस 1 मार्क सोल्यूशन का जो हमारा प्लेटफॉर्म है, इस प्लेटफॉर्म हम केवल एक नंबर के क्वेश्चन हर चैप्टर के डिस्कस करें, और हर चैप्टर से लगभग 45-50 क्वेश्चंस डिफरेंट टाइप के 1 मार्क के क्वेश्चंस, लाइक मल्टीपल चॉइस भी है, ट्रू फॉल्स भी है, फिलअप्स भी है, सरसन रीजन भी है, चूज द करेक्ट आंसर भी है, इसके अलावा मैच द कॉलम भी है, 1 वर्ड आंसर्स भी है, 1 सेंटेंस आंसर्स भी है, छोटे मोटे न्यूमेरिकल्स भी है। तो इस तरीके के जो है क्वेश्चंस को लेकर के हम 1 घंटे का सेशन प्लान करते हैं, और उस सेशन में हम उस पर्टिकुलर चैप्टर से जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं इंपॉर्टेंट उन क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं, और इसमें हम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया से सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स रखते हैं, और वो सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स आकर के उस प्लेटफॉर्म पर लाइव सेशन हमारा 4-5 नॉर्मली जो है वो रहता है, जिसमें पूरे इंडिया से, बल्कि हमारे साथ कई सेशंस ऐसे भी रहे जहां पर अब्रॉड से भी बच्चे हमारे साथ, यूएई से, दुबई से, ये जो है आपका सऊदी अरेबिया से, फिलीपींस से, जहां जहां सीबीएसई बोर्ड के स्कूल से बच्चे हमारे साथ। तो ये एक इनिशिएटिव इस लॉकडाउन की उपज है
जो बड़े पैमाने पर चल रहा है, अभी हम लगभग 150 के आसपास सेशंस कंडक्ट कर चुके हैं। जी सर, तो सर आपने मेंशन किया कि टीचर्स भी जुड़ते हैं, तो वो किस तरीके की प्रक्रिया, क्या वो लोग वॉलेंटियरी आपके साथ काम कर रहे हैं, या फिर आपने किस तरीके से वो प्लेटफॉर्म क्रिएट किया बाकी लोगों के लिए, वो थोड़ी सी प्रोसेस हम जानना चाहेंगे। बिल्कुल सर, ये जो वन मार्क सोल्यूशन है पूरी तरीके से एक वॉलेंटियर प्लेटफॉर्म है, जिस पर जो हम कंटेंट बच्चों के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, बच्चों को जो हम कंटेंट प्रोवाइड करा रहे हैं, नॉट ओनली फॉर द स्टूडेंट बट फॉर द टीचर्स ऑल्सो, ये पूरी तरीके से फ्री है, इसमें किसी तरीके का कोई चार्ज बच्चों के लिए टीचर्स के लिए नहीं है। दूसरी तरफ ये सबसे अच्छी बात है कि हमारे साथ जो टीचर्स जुड़ रहे हैं वो वॉलेंटरी जुड़ रहे हैं, उनको हम किसी तरीके का कोई फाइनेंशियल बेनिफिट नहीं दे पा रहे हैं, और टीचर्स विलिंगली हमारे साथ आते हैं। ये जो एक नोबल काज है, जो विद्यादान का जो एक प्रोग्राम हम लोगों ने शुरू किया है, ये एक तरीके का विद्यादान का प्रोग्राम है, जिसमें हम उन बच्चों के लिए काम कर रहे हैं जो बच्चे महंगी कोचिंग्स या महंगे स्कूल्स ज्वाइन नहीं कर पाते हैं, और उनको भी हक बनता है, उनका भी ये राइट है कि वो अच्छा कंटेंट जो है वो पाए। तो इस पर हम डिफरेंट सब्जेक्ट एक्सपर्ट के साथ में अच्छा जो है क्वालिटी कंटेंट डिस्कस करते हैं, और जो टीचर्स हमारे साथ जुड़ते हैं वो भी पूरी तरीके से विलिंगली जुड़ते हैं, उनको किसी तरीके का कोई फाइनेंशियल बेनिफिट चाहिए भी नहीं होता है, और इसमें जुड़ने की प्रोसेस बहुत आसान सी है। हमारा जो ईमेल एड्रेस है onemarksolution@gmail.com, या मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है उस नंबर पर ये जो है हमको एक मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं कि हम आपके साथ विलिंगली जुड़ना चाहते हैं। हम फिर वो बाकी प्रोसेस उनसे फोन पर डिस्कस कर लेते हैं कि किस तरह से हम इसको करेंगे, कैसे हम सेशंस करते हैं, कैसे ट्रायल हम उनको करवाते हैं, जो सैंपल्स पीपीटी जो जिस पर प्रेजेंटेशन तैयार होता है वो सैंपल प्रेजेंटेशन हम उनको भेज देते हैं। तो ये इस तरीके से एक तरीके से जो है जो टीचर्स के साथ कोलैबोरेट करके हम इस पूरे वन मार्क सोल्यूशन को जो है वो रन कर पा रहे। जी सर, काफी काफी सुंदर इनिशिएटिव है कि बच्चे जो हैं वो अलग अलग लोगों के साथ इंगेज हो रहे हैं। क्वेश्चंस तो बहुत सारे हैं, इंटरनेट पे मिल जाएंगे, लेकिन वो इंटरेस्ट और वो क्यूरियोसिटी क्रिएट करना वो एक बहुत बड़ी बात हो जाती है। एग्जैक्टली सर, मैं थोड़ा सा आपको इंटरप्ट करूं, ये जो इनिशिएटिव था वो लिया ही इसलिए गया क्योंकि मैंने इस चीज को ऑब्जर्व किया कि अगर आप इंटरनेट पे कंटेंट सर्च करेंगे तो आपको बहुत सारा कंटेंट मिलेगा। बच्चा क्या कर रहा है, वो पीडीएफ ले करके वो रट रहा है कि ये क्वेश्चन का सी आंसर सही है, इस क्वेश्चन का बी आंसर सही है, इस क्वेश्चन का डी आंसर सही है। व्हाई द डी इज करेक्ट, व्हाई द सी इज करेक्ट, बच्चे को नहीं पता। तो इसमें जब हम डिस्कस करते हैं तो हमारे साथ जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो ये बताते हैं बच्चे को कि देखिए ये क्वेश्चन है, इसके ये चार ऑप्शन, इन चार ऑप्शन में ये सही है, ये ही सही क्यों है, इस पर भी डिस्कशन होता है, जिससे कि बच्चे का ये कंसेप्ट क्लियर होता है कि अच्छा ये वाला आंसर इसलिए सही है, तो ये तीन गलत क्यों है उसको खुद ब खुद समझ में आ जाता है। और साथ ही साथ अगर उन तीन से रिलेटेड भी कोई इवेंट है या उस तीन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन फ्रेम हो पा रहा है, वहां पर हमारे एक्सपर्ट्स उस क्वेश्चन को भी बच्चों के साथ डिस्कस करते हैं कि हाँ भाई ये देखिए ये जो बाकी ऑप्शन है इनसे ये चीजें रिलेट, तो बच्चे के अंदर एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो है कंसेप्ट वो डेवलप हो पा रहा है। तो ये मेन मोटिव था डिस्कस करने का। अगर हम वन मार्क के क्वेश्चंस को डिस्कस नहीं करते, सिंपली अगर हम लेकर के आते कि भाई ठीक है आप आइए और ये क्वेश्चन है, ये सही आंसर है, ये क्वेश्चन है, ये सही आंसर, शायद वो इतना इफेक्टिव नहीं हो। तो इसलिए हमने इसको डिस्कशन मोड में लेकर के आया कि एक नंबर के क्वेश्चन है बट विद डिस्कशन, ये जो है इसमें हम स्पेशली कर पा रहे। जी सर, और इसमें बेसिकली एक कंसेप्ट की बात नहीं हो रही, इसमें चार कंसेप्ट की एक साथ बातचीत हो रही है। काफी इंटरेस्टिंग आइडिया है सर, करते कैसे हैं ये, मतलब यूट्यूब से होता है या फिर स्काइप से होता है या कैसे? जी जी, हम इसको सर यूट्यूब पर लाइव स्ट्रीमिंग करते हैं। यूट्यूब पर लाइव स्ट्रीमिंग करने के पीछे जो मेरा मोटिव है वो ये है कि जैसे कोई भी टीचर जब हमारे पास एक सेशन लेने के लिए आता है तो निश्चित रूप से वो 8-10 दिन की टीचर की मेहनत होती है, क्योंकि क्वेश्चंस को सिलेक्ट करना, प्रेजेंटेशन तैयार करना, फिर बताना। अगर हम जूम पर या हम वेबएक्स पर मीट पर अगर करते तो एट द टाइम हमारे साथ 10, 20, 50 बच्चे, 100 बच्चे, 200 बच्चे जुड़ पाते, उसके बाद क्या होता, वो जो प्रेजेंटेशन तैयार किया गया है उसका बेनिफिट बाकियों को नहीं मिलता। तो हम क्या करते हैं कि हम इसको लाइव स्ट्रीमिंग करते हैं यूट्यूब पर, टीचर्स को हम जोड़ते हैं अपने साथ, और ये लाइव स्ट्रीमिंग होने के बाद वीडियो ऑटोमेटिक आपको यूट्यूब पर अवेलेबल होती है, जो कि बच्चा बाद में भी देख सकता है। और ये वीडियो जो टीचर अभी मेहनत कर रहा है, इन फ्यूचर जब तक सीबीएसई पूरी तरह से सिलेबस नहीं चेंज करता है तब तक ये वीडियोस बच्चों के काम आती रहेंगी। तो टीचर के एक 10 दिन की मेहनत अगले कई वर्षों तक
कितने हजार स्टूडेंट्स के लिए हेल्प करेगी उसका तो मुझे खुद भी अंदाजा नहीं है, बट हमने जो काम शुरू किया है हमें ये विश्वास है कि ये बच्चों की जो है जो लाइफ में बड़ा बदलाव लेकर के आएगी, और स्पेशली उन बच्चों के लाइफ में जिन बच्चों को वास्तव में आवश्यक। तो सर डॉक्टर असद अहमद जी हैं, वो इकोनॉमिक्स पढ़ाते हैं और टेक्नोलॉजी में बड़ा इंटरेस्ट रखते हैं, है ना? तो डॉक्टर साहब की लाइफ से अगर टेक्नोलॉजी को हटा दिया जाए तो वो अपनी लाइफ को कैसे विजुलाइज कर पा रहे हैं? देखिए अभी की स्थिति ऐसी हो गई है कि टेक्नोलॉजी के बिना तो कुछ भी जो है वो सोच भी नहीं सकते, और मैं ही क्या, मैं तो खैर पढ़ा रहा हूँ और यूज कर रहा हूँ। अगर एक आम आदमी से भी बात करें और अगर आप उससे कहें कि भाई 2 दिन के लिए आपको मोबाइल यूज नहीं करना है, तो उस व्यक्ति को ऐसा लगता है कि उसके तो हाथ पांव सब कट गए। तो टेक्नोलॉजी आज की डेट में हर व्यक्ति के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है, हर व्यक्ति उसको अपने तरीके से इस्तेमाल कर रहा है। अब चूंकि हम टीचर हैं तो हम उस डायरेक्शन में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं। मुझे लगता है कि अगर हम टेक्नोलॉजी को हटा दें तो शायद हमारी क्लास के जो 30-40-50 बच्चे हैं वहां तक हम सीमित हो जाएंगे, उसके बाद हम नहीं पहुंच पाएंगे आगे बच्चे। लेकिन टेक्नोलॉजी के साथ में हम इंडिया से बाहर भी पहुंच रहे हैं, हम उन बच्चों तक पहुंच रहे हैं जिन बच्चों के बारे में हमको पता ही नहीं है कि हमारी जरूरत उन बच्चों को। तो ये निश्चित रूप से टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा रोल है लाइफ में, और अब टेक्नोलॉजी को हटा के मैं अपने आप को बिल्कुल भी मतलब असहाय पाऊंगा, मैं इस अपनी लाइफ के बारे में सोच ही नहीं सकता टेक्नोलॉजी के बिना। बिल्कुल बिल्कुल सर। अभी तो सर आप जब पढ़ रहे थे ना एज ए स्टूडेंट थे, तब आपके दिमाग में आया होगा कि भाई मुझे शिक्षक बनना है ना, तो आपने अपनी लाइफ जो स्टूडेंट की लाइफ थी वहां से और टीचर की लाइफ में, हम सब जब सोचते हैं ना कि अगर काश मैं अगर ऐसा होता तो मैं ये करता, या फिर अगर मैं ये होता तो मैं ये ऐसे करता, तो उस दौरान कुछ आपने सोचा इस तरीके से जो अभी आप उस चीज को कर रहे हैं बड़े ही डेडिकेशन के साथ में? जी सर, जब मैं सर 10th क्लास में था और उस समय मेरा सपना था कि मैं डॉक्टर बनूंगा, और हालांकि कुछ परिस्थितियां ऐसी रही मेरी अपनी कमियों की वजह से मैंने पढ़ाई नहीं की और इसकी वजह से 10th में परसेंटेज बहुत कम आए, फिर मेरा डायरेक्शन वहां से चेंज हो गया, और डायरेक्शन चेंज होने के बाद फिर मैं आर्ट्स का स्टूडेंट हो गया, और आर्ट्स का स्टूडेंट होने के बाद मेरी जो एजुकेशन रही है वो ग्रेजुएशन तक मैं वहीं नानपारा, एक जगह है छोटी सी कस्बा है बहराइच जिले का उत्तर प्रदेश में, वहां से मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। और उस समय हमारे कॉलेज में कुल 6 सब्जेक्ट हुए थे और उसमें से 3 आपको जो है वो चुनने होते थे, तो मैंने हिंदी साहित्य, शिक्षा शास्त्र और अर्थशास्त्र, ये 3 सब्जेक्ट लेकर के अपने ग्रेजुएशन किया, जिसमें लास्ट में मैंने हिंदी साहित्य और अर्थशास्त्र। फिर उस समय अर्थशास्त्र में मेरा इंटरेस्ट डेवलप हुआ और फिर मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन भी अर्थशास्त्र में किया, और एक माइंडसेट हो गया था कि मुझे जो है शिक्षण कार्य में ही जाना है, मुझे अध्यापन कार्य में ही जाना है, अब मुझे शिक्षक ही बनना है। तो उस दिशा में फिर उसके बाद बीएड किया, नेट किया जो है, और विशिष्ट जो विशिष्ट बीटीसी की भी ट्रेनिंग की प्राइमरी क्लासेस को पढ़ाने के लिए, तो ये जो है फिर पीएचडी की, क्योंकि डॉक्टर बनने का जो एक सपना था उसको पूरा करना था, तो उसके लिए फिर पीएचडी की नाम के आगे डॉक्टर लगा होना चाहिए, तो उस सपने को तो डॉक्टर बनकर के पूरा कर लिया, लेकिन शिक्षक बनने का जो सपना था उसको भी मैंने पूरा किया। और लकली मुझे एक ऐसे संस्थान में नौकरी मिली, एक ऐसे बड़े संगठन में नौकरी मिली, शिक्षा क्षेत्र के एक बड़ा संगठन है केंद्रीय विद्यालय संगठन, और इस संगठन में आने के बाद मुझे अपने आप को एक्सप्लोर करने का बहुत मौका मिला। अथाह संभावनाएं हैं केंद्रीय विद्यालय संगठन में, अगर आप काम करना चाहते हैं, कुछ भी इनोवेट करना चाहते हैं, संगठन आपको हमेशा प्रमोट करता है, हमेशा आपके साथ खड़ा होता है कि आप कुछ भी नया करना चाहते हैं बच्चों के हित के लिए, कुछ भी टीचिंग कम्युनिटी के लिए अच्छा करना चाहते हैं, सोसाइटी के लिए अच्छा करना चाहते हैं, संगठन हमेशा आप। तो इस संगठन में आना भी जो है एक कह लीजिए कि मेरे लिए एक प्लस पॉइंट था कि मैं एक ऐसी जगह जॉब में आया जहां से मुझे खुलकर के काम करने का मौका मिला। तो ये जो है वो जर्नी रही है पढ़ाई से लेकर के और शिक्षक बनने तक, बड़ा इंटरेस्टिंग रहा है सब कुछ, बड़ा मजा आया है काम करने में, और ऐसा लगता है कि काम करते ही रहना चाहिए। तो सर अभी आपको हजारों लोग देख रहे हैं, तो अभी आपको कैसा फील हो रहा है, कैसा लग रहा है? बड़ी खुशी है सर कि डिजिटल टीचर कहानी के माध्यम से ये जो इनिशिएटिव है और ये जो बच्चों के लिए एक काम हो रहा है, ये और शिक्षकों तक भी पहुंचेगा,
और उन शिक्षकों के माध्यम से उन बच्चों तक भी पहुंचेगा जहां तक हम इस पूरी पूरी चीजों को जो है पूरे कंटेंट को पहुंचाना चाहते हैं। और निश्चित रूप से हमारे साथ ज्यादा से ज्यादा बच्चे जुड़ करके इस इनिशिएटिव का इस जो प्रोग्राम चल रहा है इसका लाभ उठाएंगे। तो निश्चित रूप से आपका मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि आपके माध्यम से हम वहां तक जो है वो पहुंच पाएंगे। और साथ ही मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ हमारे डिप्टी कमिश्नर लखनऊ रीजन श्री डी के द्विवेदी जी का, असिस्टेंट कमिश्नर्स का, हमारे प्रिंसिपल श्री डी के श्रीवास्तव जी का, जिनके जिनका कांस्टेंट सपोर्ट मुझे मिलता है। निश्चित रूप से स्कूल में रहते हुए स्कूल के कार्यों के साथ साथ में मैं जब स्कूल के बाद फ्री होता हूँ मैं इस तरह के कार्य करता हूँ। निश्चित रूप से हमारे प्राचार्य महोदय का सपोर्ट हमको मिलता है कि भाई अगर बच्चों के लिए आप कोई भी इनिशिएटिव ले रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, तो वहां पर कांस्टेंट सपोर्ट मिलता है। क्योंकि देखिए जो आपका जो है जस्ट इमीडिएट जो बॉस होता है उसका बड़ा रोल होता है आपके किसी भी इनिशिएटिव को इम्प्लीमेंट करने में। तो निश्चित रूप से हमारे जो प्रिंसिपल हैं श्री डी के श्रीवास्तव जी, उनका बहुत बड़ा रोल है इस पूरे प्रोग्राम को अगर मैं रन कर पा रहा हूँ। तो सर नॉर्मली अगर देखा जाए तो फ्री कंटेंट जो होता है उसको लेके लोग इतने सीरियस नहीं होते हैं, उनको लगता है कि ये जो है इतना इफेक्टिव कंटेंट नहीं है। तो अलग अलग धारणाएं हैं फ्री कंटेंट को लेके, तो आपका क्या मानना है? जी सर, देखिये सर, हमारा ये जो इनिशिएटिव है ये इनिशिएटिव स्पेशली उन बच्चों के लिए है जिन बच्चों के पास अच्छा कंटेंट या क्वालिटी एजुकेशन कह लीजिए, जिन बच्चों को नहीं मिल पा रही है कुछ आर्थिक कारणों की वजह से, तो स्पेशली हमारा ये इनिशिएटिव उन बच्चों। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ये जो ये कंटेंट फ्री में है या फ्री अवेलेबल है ये अच्छे नहीं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे साथ जो है जो टीचर्स जुड़ते हैं, निश्चित रूप से इंडिया के टीचर्स भी हैं, कुछ अब्रॉड के टीचर्स भी हमारे साथ सेशन में जुड़ते हैं और उनको उनकी चॉइस का चैप्टर हम देते हैं डिस्कस करने के, और उसके पीछे रीजन है कि जब आपको आपकी चॉइस का चैप्टर मिलेगा पूरी बुक से तो निश्चित रूप से आप बहुत अच्छा परफॉर्म करें। तो हम जो टीचर्स को चैप्टर देते हैं वो उनकी चॉइस का देते हैं जिससे कि वो ज्यादा अच्छे से अच्छा परफॉर्म कर सकें, और उनके उनके कन्वीनियंट के हिसाब से देते हैं कि वो कब लेना चाहते हैं, कितने दिन में ले सकते हैं, हमारी तरफ से कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता। इन सबके पीछे रीजन ये है ताकि टीचर पूरे मन से बहुत अच्छा कंटेंट लेकर के बच्चों के पास। तो निश्चित रूप से जिन बच्चों को फ्री में कंटेंट चाहिए, जिन बच्चों को एक्चुअल में रिक्वायरमेंट है, वो पैसे देकर के अच्छा कंटेंट नहीं खरीद पा, ये इनिशिएटिव स्पेशली उनके लिए। आपने बताया एक तो वन मार्क सॉल्यूशन और एक यूट्यूब के ऊपर आप सब्जेक्ट के कंटेंट से रिलेटेड वीडियो बना के डालते हैं, तो हमारे शिक्षक साथी और बच्चे आपके उस कंटेंट तक पहुंचना चाहें तो वो कैसे? यूट्यूब चैनल के एक ही नाम है या अलग अलग नाम है, कैसे हम पहुंच सकते हैं? जी सर बिल्कुल, देखिए सर मैं चूंकि इकोनॉमिक्स का टीचर हूं और अगर आपको अर्थशास्त्र का कंटेंट चाहिए, इकोनॉमिक्स का कंटेंट चाहिए, सीबीएसई बोर्ड का कंटेंट चाहिए, स्पेशली सीबीएसई बोर्ड का, बाकी आप स्टेट बोर्ड में भी उसके कंटेंट को पा जाएंगे, तो आपको मेरे अपना जो मेरा पर्सनल चैनल है जो कि डॉक्टर असद अहमद के नाम से, या आप इकोनॉमिक्स एकेडमी के नाम से यूट्यूब पर सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। वहां पर आपको केवल इकोनॉमिक्स का कंटेंट मिलेगा। वन मार्क सॉल्यूशन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको इकोनॉमिक्स ही नहीं बल्कि इकोनॉमिक्स के साथ साथ में जो डिफरेंट और सब्जेक्ट्स हैं, फिजिक्स है, बायोलॉजी है, केमिस्ट्री है, अकाउंटेंसी है, बिजनेस स्टडीज है, हिस्ट्री है, सोशियोलॉजी है, ये सारे कंटेंट सिक्स से लेकर के ट्वेल्थ तक ये सारे कंटेंट आपको वहां पर वन मार्क सॉल्यूशन पर मिलेंगे। मेरा जो इकोनॉमिक्स का ब्लॉग है वो है डॉक्टर असद अहमद डॉट ब्लॉग स्पॉट डॉट कॉम, उस पर आपको इकोनॉमिक्स का ई कंटेंट यानी आपको सैंपल पेपर है, नोट्स है, वीडियोस की लिंक है, सारी चीजें मिलेंगी। वन मार्क सॉल्यूशन की हम वेबसाइट लॉन्च करने जा रहे हैं www.onemarksolution.com, जिस पर फिर बच्चे को सभी सब्जेक्ट के ई कंटेंट, प्रेजेंटेशंस, पीडीएफ फाइल्स, सैंपल पेपर्स, वीडियो लिंक्स, ये सारा जितना भी ई कंटेंट होता है वो सारा बच्चे को मिलेगा। तो दोनों अलग अलग है। अगर आपको 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th के डिफरेंट सब्जेक्ट चाहिए तो आप वन मार्क सॉल्यूशंस पर जाइए, अगर आपको केवल इकोनॉमिक्स चाहिए 11th, 12th का तो आप असद अहमद पर भी आ सकते हैं। हालांकि हमने जो वीडियो इकोनॉमिक्स की है उनकी भी प्लेलिस्ट मैंने जो है वन मार्क सॉल्यूशन से लिंक कर रखी है, तो आप थ्रू वन मार्क सॉल्यूशन भी आ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है टेक्नोशाला को, आपको, रामेश्वर जी को, कि हम आपके साथ जुड़ पा रहे हैं, ये मेरा सौभाग्य है।
तो आज के इस एपिसोड में हमने मोहम्मद असद सर से शिक्षण प्रक्रिया को कैसे टेक्नोलॉजी से समर्थ बनाया जा सकता है इसके ऊपर बातचीत किया। अभी चर्चा को विराम देते हैं इसी सवाल के साथ, क्या आप भी अपनी शिक्षण प्रक्रिया में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं? अगर हाँ तो अभी टेक्नोशाला फाउंडेशन से संपर्क करें और बने डिजिटल टीचर की कहानी का हिस्सा। इसी तरह की और भी इंस्पायरिंग कहानियां सुनने के लिए सब्सक्राइब और लाइक बटन दबाना ना भूलें। नमस्ते, मिलते हैं अगले शनिवार दोपहर 2 बजे।